मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। यह गिरोह खासकर व्यापारियों को अपना निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य हथियारों के नोक पर राहगीरों से लूटपाट करते थे और अब तक दर्जन भर से भी ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये दिनांक 22 दिसंबर 2019 को टीपी नगर थाना क्षेत्र के बागपत रोड पर नक्स ट्रेडिंग कंपनी में एक लूट शाम 7:30 बजे के आसपास कारित की गई थी, जिसमें बदमाशों के CCTV फुटेज भी उपलब्ध हुए थे। इन्हीं की तलाश के दौरान 29 तारीख को SOTP नगर को जरिए मुखबिरान सूचना प्राप्त हुई, जिस पर इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की गई है। दो अभियुक्त नवनीत उर्फ मीनू और अमित पुत्र जयवीर गिरफ्तार हुए हैं। टिमकिया जानी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से एक एक अवैध तमंचा और लूट में जो धन गया था उसमें से लगभग 3,000-3,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। सर, इनका क्या अपराधी की क्या सजा? ये दोनों के विरुद्ध जो है 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं। लूट हत्या जैसे गंभीर अपराध इनके विरुद्ध पूर्व में ही पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध 7 संकलन करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया है? ये जैसा कि आपने वो CCTV फुटेज देखा होगा, ये तीनों लोग पहुँचे और ओवरपावर्ड करके वहाँ पे गल्ले में जो सामग्री थी, जो धन पैसा वगैरह था, वो लूट ले गए थे। शीघ्र ही इनकी पहचान सुनिश्चित कराई गई और सूचना प्राप्त होते ही इनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी की 1 सप्ताह के भीतर इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। सर, मेरठ जनपद के अलावा कहीं बाहर भी इन्होंने? नहीं, इसमें बागपत मेरठ में विभिन्न थानों में है, लाल कुर्ती है, सिविल लाइन है। इसके अलावा 1-2 घटनाएं इनकी बागपत में भी हैं, जो हमारे मेरठ में और अभी की जो आपराधिक इतिहास